केवल गुरु टीम को सेलेक्ट करके और उसे अपने टीम में लगा दे रहे हो, तो देखो ऐसे में ना आप GL जीत पाओगे ना ही आप स्मॉल लीग जीत पाओगे। और ख़ासकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे प्लेयर्स के पीछे भागते हैं, या ऐसे जो भी वहाँ पे कंटेस्टेंट हैं जो कि खेल रहे हैं उनके पीछे भागते हो कि उनके बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और आप भी वही टीम जो है सेलेक्ट कर रहे हो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर सेलेक्ट करने के बाद भी हम लोग जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं, जबकि वो जो है उनका मैच देखोगे तो वो जीत जा रहे हैं। तो देखो वो शेयर दूसरी टीम करते हैं, लगाते दूसरी टीम है, अब इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है उनको? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं भाई, उसमें जो है वो कोई नुकसान नहीं है, ना ही आपको नुकसान है ना ही उनको नुकसान है। तो अब देखो यहाँ पे जो है क्या चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी टीम सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके से जो उसे आप अपने फेवर में ला सकते हो। अब अपने फेवर में कैसे ला सकते हो कि जैसे देखो किसी भी मैच का जो है आपको टीम सेलेक्ट करना है तो वो कैसे आपके फेवर में आएगा, और आपके फेवर में आने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जैसे देखो जैसे ये टीम हो गया, अब इस टीम को जो है हमने क्या करते हैं यहाँ पे जो हमें लिख देते हैं कि गुरु टीम जो है वो अवेलेबल है, तो हम लोग गुरु टीम को जो है वो एक बार ट्राई करते हैं। और ये मैच है चेन्नई और पंजाब का मैच जो कि आज से 2 दिन बाद होने वाला है, और हो सकता है वीडियो आप लेट देख रहे हो तो उस टाइम पर जो है अब तक वीडियो ये मिल जाएगा। आप देखो गुरु टीम को यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर गुरु टीम में जो है आप देखोगे तो अभी जो है इतनी सारी टीमें अवेलेबल है, और इन सारी टीमों में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जैसे ये भाई साहब देखोगे तो यहाँ पे जो है इन्होंने सेलेक्ट किया है, और इनका जो है देखोगे तो अभी जो है वो 1.5 हज़ार के आसपास लोगों ने पिक कर लिया है, और जब तक ये मैच होगा तब तक देखोगे 4-5 लाख लोगों ने जो है ऑलरेडी पिक कर रखा होगा। ये इसका एग्जाम्पल जो है मैं आपको रिसेंट का जो कोई मैच होगा उसमें दिखा देता हूँ। जैसे ये कल का मैच है, कल के मैच में आप देखोगे तो कल के मैच में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो टीम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये 62 हज़ार लोगों ने जो है पिक कर रखा है, यहाँ पे जो है 7.5 हज़ार लोगों ने पिक कर रखा है, यहाँ पे देखो 6.5 हज़ार लोगों ने पिक कर रखा है। तो बहुत सारे जो है लोगों ने टीम पिक कर रखा है। अब इस टीम को देखो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मेगा लीग लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेगा लीग लिखा हुआ है, तो मेगा लीग की टीम जो है बहुत सारे जब सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ लगाएंगे, इसी टीम में लगाएंगे। अब इससे देखो इससे क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से सोचो कि इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है, क्या इनको मिल रहा है कि जिस भाई साहब ने ये शेयर किया है, या फिर आपको मिल रहा है, या फिर ड्रीम इलेवन वालों को मिल रहा है? तो इससे बेनिफिट जो है वो ड्रीम इलेवन वालों को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इन 62 हज़ार में से अगर 1% भी लोग ऐसे हुए ना कि जो कि सेम टीम लगा दिए, तो 1000 लोग तो गए काम से, निकल गए कॉन्टेस्ट से बाहर। और अगर वही 10% हुए तो 6000-7000 लोगों ने लगा दिया तो वो भी जो है गए काम से बाहर। और इसी तरह अगर 6 लाख कोई सेलेक्ट कर रहा है, 6 लाख टीम में से जो अगर कोई जो है वो 10% भी लगाता है तो 60 हज़ार लोग तो ऐसे ही जो है वो सेम टीम लगा दिए। अब जब सेम टीम लगा दी तो क्या हो जाएगा, सबका सेम जो है वो रैंक आएगा, तो इससे सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि वो जो है कभी भी एक अच्छा बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पाएंगे, नहीं जो है वो बना पाएंगे। अब ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या है कि इन टीमों को क्या आपको लेना ही बंद कर देना है या फिर नहीं लेना है? तो आप देखो अगर हम लोग टीमें देखते हैं तो पहले जो ऑप्शन देखो शुरुआत में जब आया था तो ऐसे नहीं दिखाई देता था कि ये सेफ टीम है या फिर ये बैलेंस टीम है या ये बैलेंस टीम है। अब इसमें क्या करना है कि जब भी आप ऐसे टीमें देखते हो ना, जहाँ पे सेफ टीम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बैलेंस टीम दिखाई दे रहा है, इन सबको जो है वो आकलन करो। लेकिन इनका सबका जो टीम है वो किस तरीके से आपको देखना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ये टीम सिलेक्शन है, देखो जैसे यहाँ पे जो है वो 5 और 6 का है, यहाँ पे 4 और 7 का है, यहाँ पे देखोगे 4 और 7 का है, तो आपको ये देखना है कि पिच रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बता रहा है मैच का। अब उसको कहाँ देख लेना है, आपको यहाँ पे देख लेना है। तो पिच में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक तो बैलेंस पिच है और साथ में जो है वो बेसर्स के लिए अच्छा है, जो कि मैं भी पिच रिपोर्ट में जो है आपको वीडियो वाला जो पब्लिश हुआ होगा उसमें आपने देख लिया होगा कि मैंने जो है वो सेम चीज़ जो है आपको ये चीज़ें बताया है। अगर उसको डिटेल्स में आप देखते हो तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर जो है आप देख सकते हो। तो आप देखो अगर बैलेंस पिच है तो हमें टीम क्या करना पड़ेगा, बैलेंस लेना पड़ेगा। और साथ में ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में हैं तो हम लोग 6 और 5 के कॉम्बिनेशन में टीम बनाएंगे, और अगर दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में नहीं है, एक जो है थोड़ा सा खराब प्रदर्शन कर रही है एक अच्छा कर रही है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग जो है वो 7 और 4 के फॉर्म में जो है कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, हम लोग 8 और 3 का नहीं बना सकते, 9 और 2 का नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऐसी टीमें चलेगी नहीं, भले वो यूनिक हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन केवल 2 ही फॉर्म में आपको जो है वो ट्राई करना है मेगा लीग के लिए, और ये वीडियो भी जो है पार्टिकुलर मेगा लीग के लिए है, बाकी कॉन्टेस्ट यहाँ पे है देखोगा स्मॉल लीग है, इसी अलावा जो हैड टू हेड है तो उस पर हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर रहे, हम लोग केवल कर रहे हैं मेगा लीग पे। अब मेगा लीग पे अगर हम लोग देखते हैं ना तो आ जाते हैं हम लोग जो है जो पुराना हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो है मैच 2 दिन बाद होने वाला है उसको देख लेते हैं एक बार। तब यहाँ पर देखो मेगा लीग पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेना है। अगर 2 टीमें जो है वो दोनों टीमें अच्छी है, 6-5 का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब जैसे देखो ये 8 और 3 का कॉम्बिनेशन, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन जो है आप कभी भी देखोगे तो ड्रीम इलेवन में आपको
जैसे अगर आपने 74 मैचेस ये देखे होंगे ना, 74 मैच में कभी भी देख लिया ना, इक्का दुक्का ऐसा मैच हो सकता है, हो सकता है एक मैच ऐसा हो जाए जिसमें आपको ऐसे चांसेस दिखाई दे दे कि ऐसी टीमें जीत रही है 8 और 3। बाकी जो है मैंने आदि तक नहीं दिखाई कि किसी खिलाड़ी टीम से 8 टीमें जो है वो और 3 जो है वो उस तरीके से जीत जाए। तो जब भी कभी ऐसा टीम देखो तो आप उसे पहले ही नेगलेक्ट कर देना, आप 7-4 के कॉम्बिनेशन तक जा सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, भले ये यूनिक टीम हो जाएगा लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहेगा कि ऐसी टीमें जो है वो आपको जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देगी। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है, जो सबसे ज़्यादा लोग पिक करें क्या वो टीम पिक करना चाहिए। बिल्कुल उस टीम को जो है सबसे पहले देखो, उसका रिव्यू करो कि किस तरीके से वो टीम है। अगर वो टीम आपको बैलेंस लगता है तो वैसे सीनरी में जो है आपको उस टीम को पिक कर लेना है। जैसे मैंने इस टीम को जो है वो खोला है, ओपन किया है, अब इस टीम को हम लोग देखते हैं। तो इस टीम को आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना अर्शदीप सिंह और नीथन एलिस, ये दोनों जो है आपको कब बॉलिंग करेंगे, ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे। अगर कोई बॉलर ओपनिंग में बॉलिंग करता है तो विकेट तो लेने के चांसेस रहेगा, तभी तो आप लोगे, नहीं तो क्यों लोगे। डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, ठीक है, तो दोनों सीनरी आपको देखने को मिलता है। तो क्या आप चाहते हो कि केवल ये डेथ ओवर में जो है वो विकेट ले या फिर ओपनिंग में विकेट ले। अगर ओपनिंग में विकेट लेंगे तो देखो यहाँ पे ओपनर देखो डीबे कॉनवे, ईश्वर गायकवाड़ और रहाणे, तो ये तीनों जो है जो फर्स्ट बैट्स हैं, तीनों जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो क्या हमें ये कॉम्बिनेशन लेके जाना चाहिए, ऐसा नहीं लेके जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग डायरेक्ट जो है पिक कर लेंगे, आप इस टीम को पिक करो और इसको एनालिसिस करके देखो क्या सीनरी बनता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो देखोगे तो अगर हम लोग पंजाब की तरफ से देखेंगे तो पंजाब को देखो ओपनिंग जोड़ी जो है यहाँ पे नहीं है और बॉलर जो है तुषार देशपांडे हैं। तो अगर ओपनिंग जोड़ी नहीं है तुषार देशपांडे है और यहाँ पे हम लोग पथिराना की जगह आकाश सिंह को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी पंजाब को तो हमने रखा ही नहीं है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है और पहले उस टीम को देखो और उसके बाद से जो है आप वहाँ से कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो कि अगर किसी को ओपनर बॉलर्स ले रहे हो तो आप चाहते हो एक्सपेक्ट करते हो ना कि ये जो है क्या करेगा, अगर ओपनर्स चले तो ये बॉलर्स नहीं चलेंगे तो हमें बॉलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो आपको क्या करना है कि इस टीम को जो है सबसे पहले कैटलाइज करना है, फिर पिक करना है और उसके बाद अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। उसी तरह आप इस टीम को देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है चेन्नई के जो है वो आपको देखो क्या कर लिया गया है, पिक कर लिया गया है पूरे बैट्समैन को। अब चेन्नई के जब पूरे बैट्समैन को पिक किया गया है तो यहाँ पे अगर चाहते हो कि ये पूरे बैट्समैन जो है वो परफॉर्म करे तो क्या ये बॉलर्स जो है वो परफॉर्म करेंगे, आपको लगता है कि बॉलर्स जो है 3 परफॉर्म करेंगे। तो अगर बैट्समैन सारे परफॉर्म करने हैं, हो सकते हैं इनको विकेट भी मिल जाए, आप चाहते हो कि सारे बैट्समैन परफॉर्म करें। अगर ये परफॉर्म करेंगे ही नहीं, इतने सारे बैट्समैन जो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, तो क्या ये 3 बॉलर परफॉर्मेंस के बाद आपको ये डीएल जिता सकते हैं, बिल्कुल नहीं जिता सकते। तो इस चीज़ को जो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को सोचना है। उसके बाद अगर मान लो हम लोग इस वाले टीम को पिक कर लेते हैं तो ये वाला टीम देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखो ओपनिंग जोड़ी जो है डीवे कॉनवे का है, ऋतुराज गायकवाड़ का और नंबर 3 रहाणे का है। तो आप देखोगे यहाँ से भी देखो तो अर्शदीप सिंह का ओपनिंग बॉलिंग जो है वो देखने को मिल सकता है, इसलम सैम करन का भी देखने को मिल सकता है। तो वैसे सीनरी में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नेथन एलिस को हटा दिया है, एक बैलेंस टीम बन सकता है। मिडिल ऑर्डर में देखोगे तो जडेजा और यहाँ पे जो है मोइन अली को जो है वो रखा गया है। तो अब जडेजा तक बैटिंग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चांसेस जो है वो कम रहेगा, क्योंकि अगर ये टॉप 3 परफॉर्म करते हैं जडेजा तक जो है चांसेस बहुत ही कम रहेगा बैटिंग का। मोइन अली तक भी जो है आप कहोगे तो बहुत जो है वो चांसेस कम रहेगा, इसके जगह हम लोग शिवम दुबे को जो है वो पिक कर सकते हैं इस सीनरी में। अब यही हम लोग देखते हैं कहाँ से पंजाब की तरफ से, पंजाब की तरफ से देखो तो हमने यहाँ पे थिकसना को लिया है जो कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन पंजाब को ओपनर्स को हमने नहीं पिक किया। अगर यहाँ पे हमने तुषार देशपांडे को नहीं लिया, आकाश सिंह को नहीं लिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको ओपनर्स चलेंगे, तो हमने जो है यहाँ पे बर्व सिमरन सिंह को भी ले लेना चाहिए, मैथ्यू शॉर्ट को लिया है। तो ये जो है सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि इस तरह से जो आपको टीम कॉम्बिनेशन जो है बनाना है, जो कि थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा कैसा सिनेरियो हो सकता है। साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि ग्राउंड जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा सिनेरियो जो है रखने वाला है, किस तरह से पिच रिपोर्ट यहाँ पर काम करेगा, और तभी जो है ये टीमें आपकी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। और जब एक अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगी तो आपको इसी सीनरी में जो है आपको टीमें जो है पिक करनी है और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाओगे आप, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए आप देखो कि इसमें कौन सा जो है कैप्टन वाइस कैप्टन रखा गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों ओपनर को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन रखा गया है, जो कि एक अच्छा सोच है, डिपेंड करता है। इसलिए हमने इस टीम को जो है वो देखा जाता है, यहाँ पर देखोगे तो आपको दिनों क्या मिला कि एक जो है ओपनर को रखा गया है यहाँ पे कैप्टन, और एक जो है आपको वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को रखा गया है, जो कि एक अच्छा जो है वो सोच है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा यूनिक टीमें बनाओ, क्योंकि ये जो टीमें बन गई है तो बहुत सारे लोग जो इसको पिक करके जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो अगर आप यूनिक बनाना चाहते हो और आप जीएल जीतना चाहते हो कि कोई ऐसा प्लेयर आपके लिए परफॉर्म करे, तो आप ऐसे सीनरी में देख सकते हो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको आप पिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप जो है मैथ्यू शॉर्ट को ले सकते हो या फिर जो है लियाम लिविंगस्टन को वाइस कैप्टन बना सकते हो। एक रिस्की प्लेयर आपको जो है वो ऐड करके जाना होगा जो कि आपके सीनरी में एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है,
तभी जो है एक अच्छा यूनिक टीम आप बना पाओगे। और ये यूनिक टीम जो है आप कैसे परफॉर्म करेगा, ये जब आप 2-4 मैचों में बनाओगे, 2-4-10 मैचें खेलोगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है टीम बनाना है, कैसे सेलेक्ट करना है। और जो मैंने पूरा इस पर सीरीज चला रखा है जो कि ऑन डिमांड सीरीज़ था, तो उस सीरीज़ के जो है सारी वीडियो देखते रहो, जिससे जो है आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और साथ में टीम इलेवन के लिए जो है आप स्क्वाडिंग इलेवन टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर जो है आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है मिल जाती है, साथ में वीडियो भी जो है अपडेट होते रहता है। इसके अलावा जो है आप विनर सेशन एंट्री के लिए जो है टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और होप्स हो कि ये वीडियो जो है आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर दिया होगा। अगर क्लियर किया हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप सभी लोग हैशटैग डाल के चैनल का नाम जो डाल देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो जो है आपको प्रॉफिट दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।